उपसभापति महोदय, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2021, जिसको लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है, इसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सती महोदय, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय मिलने में विलंब होता है तो इसका मतलब कि आप लोगों को न्याय पाने से वंचित कर रहे हैं। और सदन को मालूम है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग 69,000 केसेस पेंडिंग है। देश के सभी अगर हाई कोर्ट को मिला लीजिए तो मोर देन 60 लाख केसेस आर पेंडिंग विद द डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो नीचे के कोर्ट्स हैं, वहाँ 4,29,00,000 केसेस पेंडिंग हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि लोगों को न्याय पर से भरोसा कम होता जा रहा है। ये न्याय की प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। कितने वर्ष न्याय मिलने में लगेगा पता नहीं है, जबकि संविधान की धारा 39A कहती है कि सबों को सस्ता और सुलभ न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। लेकिन सौती उपसौति महोदय, जो परंपरागत जो न्याय की व्यवस्था है, जो कोर्ट की पद्धति है, जो लिटिगेशन की व्यवस्था है, इससे निजात, इससे समस्याओं का समाधान कठिन है, मुश्किल है। और हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जब पंचायत व्यवस्था थी, पंच थे, और पंच बैठकर गांव के अंदर चीजों का निर्णय कर दिया करते थे। तो इसीलिए आर्बिट्रेशन क्या है? पक्ष आपस में मिलकर विवाद को सुलझाने की जो प्रक्रिया है, यही एक प्रकार का आर्बिट्रेशन है। और कुल जो जिसको कहते हैं विभिन्न प्रकार के विवाद का जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, वैकल्पिक तरीका क्या है विवाद के सुलझाने का, तो एक तरीका है आर्बिट्रेशन, एक तरीका है कॉन्सिलेशन, एक तरीका मेडिएशन, एक तरीका है निगोसिएशन, और एक जो आज लोक अदालतें जो काम कर रही हैं वह भी, और त्वरित न्याय दिलाने का और आपस में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद को सुलझाने का, जिसको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्बिट्रेशन की। यद्यपि ये सुनने में ये सारे शब्द एक जैसे लगते हैं, कॉन्सिलेशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, लेकिन सबों में अंतर है कानून की भाषा में। और जस्टिस रमन्ना जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक बार भाषण देते हुए कहा था, आर्बिट्रेशन बेस्ट सूटेड रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर कॉमर्शियल वर्ल्ड, जिसका भी विवेक जी जिक्र करते, जो व्यापार जगत है, जो वाणिज्यिक जगत है, उसके लिए जो आर्बिट्रेशन है, ये समस्याओं के समाधान करने का सबसे बेहतर तरीका है। टू अचीव द टाइटल ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन, ऑपरेट विदाउट मच हैसल। और अभी जैसा किरण जी ने कहा कि FDI के बाद बड़ी मात्रा में भारत के अंदर विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है, बड़ी संख्या में कंपनियां भारत के अंदर पूंजी निवेश कर रही हैं, भारत की कंपनियों के साथ समझौता करके वो पूंजी निवेश करती हैं। तो अगर किसी प्रकार का विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, चूंकि वर्षों लगेंगे। वो चाहते कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे कि दो कंपनियों के बीच के अंदर का विवाद, कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका विवाद, और आर्बिट्रेशन के माध्यम से और सुलझा लिया जाए। और इसलिए जो आर्बिट्रेशन है, ये एक प्रकार का आपसी सहमति के साथ विवाद को सुलझाना, और जो दोनों पक्ष हैं वो तय करते कितने आर्बिट्रेटर होंगे। और अभी तक, जैसा विवेक जी ने कहा कि अभी तक जो आर्बिट्रेशन की यहाँ पद्धति है, ये एडहॉक है। एडहॉक का मतलब है कि संस्थागत नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, जिसको किरण रिजिजू इस बिल के माध्यम से संस्थागत स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी व्यवस्था क्या एडहॉक है, मेरे और आपके बीच दो कंपनियों में विवाद हुआ, हम लोगों ने तय किया कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम ही लोगों ने मिलकर आर्बिट्रेटर का चयन कर लिया, कहाँ सुनवाई होगी हम ही लोग तय करते, उसकी फी क्या होगी हम लोग तय करते, प्रक्रिया क्या होगी हम लोग तय करते। यह है एडहॉक
आर्बिट्रेशन, जिसको प्राइवेट आर्बिट्रेशन भी जो है और कह सकते हैं। और आर्बिट्रेशन का जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी होता है, और जैसा विवेक जी ने कहा कि बाध्यकारी अगर नहीं है तो होना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर अगर है तो इसका लाभ क्या होगा। इसलिए साधारणतया जो आर्बिट्रेशन का जो निर्णय है, अगर एक बार निर्णय आ गया तो दोनों पक्षों के लिए और वो बाध्यकारी होने चाहिए। और जैसा अभी किरण जी बता रहे थे कि सिंगापुर समेत दुनिया का सबसे बड़ा आर्बिट्रेशन के सेंटर के रूप में विकसित हो गया है। एक छोटा सा देश, पता नहीं 30 लाख 40 लाख की भी आबादी नहीं होगी, लेकिन भारत नहीं हो पाया और सिंगापुर क्यों हो गया, पेरिस क्यों हो गया, इंग्लैंड क्यों हो गया, दुनिया के बाकी देश। आज भारत में भी जो कंपनियां हैं, अगर कोई विवाद होता है तो भारत में वो आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाना चाहती है, वो सिंगापुर जाना चाहती है। और मैं दो तीन बड़े केस, अभी अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप का जो विवाद चल रहा है, इसका सुलझाव, इसका विवाद का निपटारा कहाँ होगा, सिंगापुर के अंदर। उसी प्रकार टाटा सन्स और डोकोमा नाम की कंपनी के बीच में जो शेयर एग्जिट के अरेंजमेंट को लेकर जो विवाद था, उसका कहाँ हुआ, समाधान कहाँ हो रहा है, तो सिंगापुर के अंदर। डाइची कंपनी का अगर सिंह ब्रदर्स के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट का विवाद था तो कहाँ उसका समाधान हो रहा है, तो सिंगापुर के अंदर। तो सिंगापुर में इस समय 153 केसेस, जो भारत के सर्वाधिक जो भारत के डिस्प्यूट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, उनका निष्पादन कहाँ हो रहा था, सिंगापुर में हो रहा है। सिंगापुर में 153 कंपनीज, जो 2018 में भारत के 12 डिस्प्यूट गए थे, आज वहाँ पर 153 डिस्प्यूट्स जो हैं और वहाँ पर चल रहे हैं। तो इसीलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग में लोग जाना नहीं चाहते हैं, लंबा समय लगता है, लंबी प्रक्रिया लगती है। और इस समय देश के अंदर 38 इस प्रकार के संस्थान काम कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि एक एडहॉक अरेंजमेंट है, ये किसी संस्था के माध्यम से आर्बिट्रेशन नहीं कराते, किसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से नहीं, आप और हम मिल गए और दोनों ने मिलकर कोई आर्बिट्रेटर तय कर लिया और वो मिलकर समाधान करता है। भारत सरकार जो बिल लाई है उसमें नाम बदलने के साथ साथ कि भारत में एक स्वतंत्र निष्पक्ष स्वायत्त शासी हम एक आर्बिट्रेशन के संस्था का निर्माण करें, जिसमें उसी प्रकार की क्षमता हो जो क्षमता इंग्लैंड या जेनेवा या सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर जो क्षमता, उसी प्रकार की क्षमता उसके अंदर हो। और इस समय देश के अंदर 38 सेंटर्स काम कर रहे हैं अलग अलग, एक पालकीवाला के नाम पर है, हर राज्य में कोई ना कोई आर्बिट्रेशन सेंटर काम कर रहा है, लेकिन ये सरकारी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से लोग काम कर रहे हैं। और मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार की पहल पर पिछले दिनों मुंबई में और एक आर्बिट्रेशन का सेंटर प्रारंभ हुआ, और महाराष्ट्र की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एक क्लॉज होगा कि अगर कोई विवाद होगा तो उसके समाधान के लिए हम सिंगापुर नहीं जाएंगे या दिल्ली नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र का जो आर्बिट्रेशन सेंटर है वहीं पर इसका समाधान किया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज के अंदर इसको शामिल किया गया है। और अभी तक 6 महीने के भीतर 75 केसेस की हियरिंग वहाँ पर हो चुकी है। तो मैं सभी राज्यों से भी आग्रह करूँगा उपसभापति महोदय कि जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में आर्बिट्रेशन के सेंटर हैं, सरकारें भी इसको प्रारंभ करें और यह क्लॉज में डालें कि बाहर जाने के बजाय उनका समाधान जो है और उन्हीं राज्यों के अंदर और हो सकता है, तो लोगों को सिंगापुर लंदन पेरिस जाने की और उसमें से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सती महोदय, हम एक इसको हब के रूप में, भारत को भारत सरकार एक हब के रूप में विकसित करना चाहती है कि दुनिया के बाकी देशों के भी लोग अपने विवादों का निपटारा करने के लिए जैसे सिंगापुर जाते हैं, वैसे वो भारत में आए, दिल्ली आए और यहीं पर विवादों का निपटारा कर सके। लेकिन इसके लिए उस संस्थान की विश्वसनीयता चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, विद्वान लोग चाहिए। आज जो सबसे बड़ी कमी है वो इसी बात की कमी है कि कॉमर्शियल जो आर्बिट्रेशन है उसके सेंटर के रूप में तो हम काम करना प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, विश्वस्त लोग नहीं है, जानकार लोग नहीं है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस साल के बजट में भारत सरकार ने घोषणा की है कि गुजरात के अहमदाबाद में जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी,
वहाँ पर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और इसी वर्ष वहाँ पर प्रारंभ करने का भारत सरकार ने बजट में और ऐलान किया है। तो सती महोदय, कुल मिलाकर जो इस पूरे बिल का जो लबोलबाब है वो यही है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से समस्याओं का कैसे और समाधान हो सके, और इसके अंदर पार्टीज को इस बात की आज़ादी होती कि वो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की बहाली कर सके, और ये जो संस्था ये क्या काम करेगी, संस्था जैसे मैंने अभी बताया अभी तक एडहॉक काम हो रहा है, अब जब ये संस्थागत स्वरूप मिल जाएगा तो लोग जाएंगे उस इंस्टीट्यूशन के पास जिसका नाम लिया अभी दिल्ली की जो नाम परिवर्तित किया गया, लोग उस संस्था के पास जाएंगे, वो आर्बिट्रेटर बहाल करेगी, वो उसको देखेगी कि वो आर्बिट्रेशन का काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो फी निर्धारित करेगी, वो अवार्ड जितने अवार्ड होंगे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा उसके वो रिपोजिटरी के रूप में जो है और वो काम करेगी। तो ये जो आज एडहॉक काम कर रहा है इसके बजाय एक संस्थागत रूप, ताकि दुनिया भर के लोग जो हैं और अपनी समस्याओं का निष्पादन करने के लिए और भारत आ सके। और आज जो विदेशी कंपनियां हैं जो वो फॉरेन को ही प्रिफर करती है, जैसे मैंने कहा कि भारत की कंपनियां तो कर ही रहे हैं लेकिन फॉरेन की कंपनियां भी भारत में आ सके ये बहुत आवश्यक है सती महोदय। और इसलिए इस बिल के द्वारा एक तो नाम परिवर्तन किया गया, वो छोटा सा संशोधन है कि न्यू दिल्ली के बजाय, नहीं तो लोग समझेंगे कि न्यू दिल्ली में तो पहले से भी एक आर्बिट्रेशन का सेंटर है, एक नया सेंटर ये न्यू दिल्ली के लिए केवल, इसलिए इसको इसका नाम बदल कर इसको किया गया, इसका नाम बदला जा रहा है। और सती महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा कि करोड़ों की संख्या में कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, इसका जल्द से जल्द निष्पादन कैसे हो, यहाँ बहुत सारे विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए हैं, महाधिवक्ता श्री के सब लोग बैठे हुए हैं। एक बात मैं किरण जी को, माननीय मंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहूँगा, वह है कोर्ट के, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उपसभापति महोदय, हिंदुस्तान में कहीं भी वकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई आदमी काम करता है उसको साल में 50 छुट्टी मिलेगी, 60 छुट्टी मिलेगी, जितनी छुट्टी अर्न लीव पेड जो भी लीव है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सचिवालय डेढ़ महीने के लिए बंद कर दिया गया, कोई ऑफिस को महीनों बंद कर दिया गया। लेकिन भारत के अंदर हमने एक ऐसी पद्धति को स्वीकार कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट डेढ़ महीना गर्मियों के अंदर बंद रहेगा, जाड़े के अंदर 20 दिन बंद रहेगा। आज अगर देश के अंदर सारी संस्थाएं, सारी ऑफिसेज अगर 365 दिन काम करती हैं और अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो एक आदमी छुट्टी पर जाएगा, दूसरा काम करेगा, दूसरा छुट्टी पर जाएगा, तीसरा काम करेगा। कोई कह सकता है कि वकेशन जज काम करते, लेकिन वकेशन बेंच में कितना काम होता है ये हम सब लोग जानते हैं। और ये सौती महोदय, ये ब्रिटिश परंपरा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो विदेशी जो जड़े हैं विदेशी हमारे संस्थाओं में, हमारी चीज़ों के अंदर, उसको हम धीरे धीरे समाप्त करेंगे। और ये परंपरा क्यों प्रारंभ हुई, उपसभापति महोदय मैं दो मिनट संक्षेप में बताना चाहूँगा। आज़ादी के पहले उस जमाने में जज होते थे अंग्रेज, उनको यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो यहाँ से और हवाई जहाज चलता नहीं था, तो पानी के जहाज से एक महीना लगता था, पानी के जहाज से इंग्लैंड जाने में एक महीना, जाने में एक महीना, आने में और फिर एक महीना वहाँ छुट्टी बिताने में। तो ये जो परंपरा प्रारंभ हुई स्कूलों में, खास करके स्कूलों में और कोर्ट के अंदर, ये ब्रिटिश परंपरा का कि ये जड़े वहाँ पर हैं। और आज स्कूलों में वकेशन होता है लेकिन अब टीचर्स के लिए वकेशन नहीं है, तो बच्चों की बात तो समझ में आ सकती है। और एक और आश्चर्य की बात है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में किसी प्रकार का वकेशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर इस प्रकार का वकेशन है। जस्टिस लोधा ने 2014 में कहा था, जस्टिस चीफ जस्टिस थे, कि उन्होंने कहा साउट टू एलिमिनेट दिस वकेशन। और जस्टिस चंद्रचूड़ जब हाईकोर्ट में थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो जज थे या शायद चीफ जस्टिस थे, उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि वो छुट्टी पर नहीं जाएंगे, वो वकेशन में नहीं जाएंगे। और जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने वॉलंटरी जो है और छुट्टी पर नहीं गए और काम करते रहे। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। इसे मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, वकेट वकेशन, छुट्टियों की छुट्टी करो, छुट्टियों की छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, आपको जितनी छुट्टी लेना आप छुट्टी ले, लेकिन छुट्टियों के लिए छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। और मैं किरण रिजिजू जी से भी आग्रह करूंगा, बहुत क्रांतिकारी मंत्री हैं और बहुत सुधार का भी काम कर रहे हैं, तो
इस विषय को भी आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में विचार करना चाहिए। इसलिए स्वाती महोदय, मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से सारा सदन इस बिल को अपना समर्थन देगा, क्योंकि इस बिल के माध्यम से हम पूरे दुनिया के अंदर भारत को एक आर्बिट्रेशन के एक बड़े हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।